पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 19 मई को वोटिंग होनी है। वोटिंग से ठीक पहले बसपा प्रमुख मायावती ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वाराणसी में बड़ी संख्या में बाहरी लोग आ गए हैं, वो वाराणसी के वोटरों को धमका रहे हैं और चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, इसमें बात करते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से। बहुत गंभीरता से मायावती जी ने एडवांस में गठबंधन की पराजय को स्वीकार कर लिया है। जहां हिंसा हो रही है वहां पर उनके मुंह में ताला लगा हुआ है, और जहां शांतिपूर्ण उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है वहां पर उनका इस प्रकार का बयान इतनी सीनियर नेता होने के बावजूद भी बचकाना लगता है। उत्तर प्रदेश में हिंसा मुक्त शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, और वाराणसी में गठबंधन की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है, घबराहट का यह प्रतीक है। ये बताइए कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया, आशंका जताई है कि वाराणसी में 19 तारीख को बंगाल जैसे हालात हो सकते हैं और बाहरी लोग हिंसा कर सकते हैं। मायावती जी, इस बात की चिंता ना करें, यहाँ कोई गुंडा ही करेगा तो उसको हम ठीक कर देंगे। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में दखल देने की भी मांग की है। चुनाव आयोग के हर आदेश का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, पालन करती है और उसी के हिसाब से काम करती है। केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि मायावती ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है और बंगाल के मामले में वो चुप हैं, लेकिन वाराणसी में गलत बयानी कर रही हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी।